बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने इहयाउल उलूम में लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक शख्स खिदमत किया करता था। वो लोगों से बयान करता था कि मुझे मूसा सफ़ीउल्लाह ने ये बात बताई। कभी कहता कि मुझे मूसा करीमुल्लाह ने, मुझे मूसा नजीउल्लाह ने ये खबर दी। इस तरह लोगों को सुना सुना कर इसने खूब मालो दौलत जमा कर ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा इसको मफूद यानी गायब पाया और लोगों से इसके बारे में पूछना शुरू किया, मगर इसकी कुछ खबर ना मिली। फिर अचानक एक दिन एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और इसके हाथ में खिंजीर यानी सूअर था और सूअर के गले में काली रस्सी बंधी हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस आने वाले से इस शख्स के बारे में पूछा जो बहुत दिनों से नजर नहीं आ रहा था कि फलां को तुम जानते हो कि वो कहाँ है। इसने कहा, ए हजरत, ये सुअर वही शख्स है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ए अल्लाह, इसको अपनी असली हालत पर लौटा दे ताकि मैं इससे इसके मसख होने की वजह दरियाफ्त कर लूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, अगर तुम मुझे इन तमाम नामों से पुकारते जिनसे आदम और इनके बाद के अंबिया ने मुझे पुकारा, तब भी मैं ये दुआ कबूल ना करता, लेकिन मैं इसकी वजह बता देता हूँ कि मैंने इसको मसख क्यों किया है। फिर अल्लाह ताला ने आपको बताया कि इसकी वजह ये है कि ये शख्स दीन के जरिए दुनिया तलब करता था। नाज़रीन, बड़ा ही इबरतनाक वाक़या है हमारे आज के ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने दीन का इलम इसलिए हासिल किया है कि वो दुनिया कमा सकें। अल्लाह ताला हम सबको हदायत अता फरमाए। आमीन।